अंश हे गौरी नंदन, हे शिवांश हे गौरी नंदन, शुभ फल दाता कष्ट निकंदन, जग करता है तेरा वंदन, शत शत तुम्हें प्रणाम, शत शत तुम्हें प्रणाम, प्रणाम शत शत तुम्हें प्रणाम, शत शत तुम्हें। किसी भी कार्य को निर्विघ्न रूप से पूरा करने के लिए भगवान गणेश की पूजा की जाती है। बप्पा की पूजा करने से पहले आज हम आपको कुछ ऐसे सवालों के जवाब देंगे जो आपके मन में तो हैं, पर उनके जवाब कुछ लोगों के पास नहीं है। जैसे शुभ काम से पहले श्री गणेशाय नमः क्यों लिखते हैं, लोग अपनी गाड़ियों में गणेश जी की मूर्ति क्यों लगाते हैं। ऐसे 10 सवालों के जवाब आपको देंगे जो आपके जीवन को बदल कर एक नया रूप दे सकते हैं। गणेश प्रथम पूज्य क्यों है? गणेश जी के प्रथम पूज्य कहलाए जाने को लेकर माना जाता है कि जब शिव जी ने गणेश जी का सिर काटने के बाद उनके सिर के ऊपर हाथी का सिर लगाया, तब पार्वती जी ने कहा कि लोग इस रूप में गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे। इसके बाद शिव जी ने वरदान दिया कि सभी देवी देवताओं में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होगी। मंगल मूर्ति है गणेश। गणेश जी को मंगल मूर्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो विघ्न हरते हैं, गणपति बप्पा समृद्धि लाते हैं, तो वहीं उन्हें मुहूर्त का भी देवता माना गया है। शास्त्रों के मुताबिक कोई भी शुभ कार्य मुहूर्त देखकर ही किया जाता है, जो नक्षत्रों की चाल देखकर तय होता है। गणेश जी को सभी नक्षत्रों का देवता कहते हैं, इसलिए किसी भी शुभ कार्य का आरंभ गणेश जी की पूजा के साथ होता है। सिद्धिदाता गणेश। गणेश जी को सिद्धिदाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि गणेश जी श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं। उन्हें शिव जी और पार्वती ने जन्म दिया। शिव जी को विश्वास और माँ पार्वती को श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। जब तक आप किसी काम को श्रद्धा और विश्वास के साथ नहीं करते, आपको उसमें दक्षता यानी सिद्धि हासिल नहीं होती। इसलिए जब भी आप किसी काम की शुरुआत करें तो गणेश जी का स्मरण करके उसे श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरा करने का प्रण लें। क्यों लिखते हैं श्री गणेशाय नमः? गणेश जी अक्षरों के देवता हैं, इसलिए उन्हें गणेश कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि चाहे आप कविता लिखें, बही खाते बनाएं या लिखने से जुड़ा कुछ भी काम शुरू करें, उससे पहले श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। वक्र तुंड महाकाय गणेश। भगवान गणेश को वक्र तुंड कहा गया है, जिसका अर्थ है हाथी के जैसे विशाल शरीर वाले। उनका सिर, कान, नाक यानी सूंड और पेट हाथी की तरह विशाल काय हैं। बड़ा सिर बड़ी सोच का और छोटी बातों में समय न गंवाने का प्रतीक है। गणेश जी के बड़े कान बताते हैं कि जीवन में बोलने से ज्यादा सुनना महत्वपूर्ण होता है। बड़ी नाक यानी उनकी सूंड बताती है कि परिस्थितियों को पहले ही सूंघ लेने यानी आने वाले समय का अंदाजा पहले से लगाने की कला हम सबको विकसित करनी चाहिए। रिद्धि सिद्धि का अर्थ। भगवान गणेश की दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि का अर्थ है संपन्नता और सिद्धि का अर्थ है सफलता। लेकिन जीवन में आपको कितनी संपन्नता और कितनी सफलता हासिल होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मूषक वाहन क्यों? गणेश जी का वाहन चूहा है। चूहे का काम है अच्छी चीजों को कुतरना। कुतर्क शब्द कुतरने से ही बना है। अच्छी बातों और सत्य को कई लोग अपने कुतर्क से विकृत कर देते हैं, इसलिए ऐसा करने वालों पर नियंत्रण जरूरी है। वाणी और बुद्धि के देव बप्पा। गणेश जी को वाणी का देवता भी कहा जाता है क्योंकि वो बुद्धि को सत्य का पालन करने की प्रेरणा देते हैं, और जब आप सत्य का पालन करते हैं तो वो आपके वाक्यों को शक्ति देते हैं। भगवान गणेश को बुद्धि का देवता भी माना जाता है। उनकी बुद्धि इतनी शुद्ध है कि किसी भी देवता की पूजा से पहले उनके नाम का स्मरण किया जाता है। जीवन का आधार भी बुद्धि है। अगर आपकी बुद्धि बुराई और असत्य के साथ है तो यही आपके जीवन की सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगी। लेकिन अगर आपकी बुद्धि अच्छाई और सत्य के साथ है तो कोई भी विघ्न आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वाहनों में क्यों लगाते हैं गणेश जी की मूर्तियां? गणेश जी की मूर्ति को वाहनों में इसलिए लगाया जाता है
क्योंकि वो सभी दिशाओं के देवता माने गए हैं। घर या ऑफिस में मूर्ति का महत्व। आपके मन में ये सवाल भी होगा कि घरों और दफ्तरों के प्रवेश द्वार पर गणेश जी की मूर्ति क्यों लगाई जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि गणेश जी ही देवताओं में श्रेष्ठ हैं। घरों के बाहर अक्सर ओम भी लिखा जाता है और स्वास्तिक भी बनाया जाता है। ओम और स्वास्तिक भी असल में गणेश जी के ही रूप हैं। इसलिए घर और दफ्तरों में प्रवेश द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है।